दोस्तों, आपको यकीन ही नहीं होगा, ये जो लजीज और लाजवाब दिखने वाला तवा चिकन बस 10 से 12 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं पड़ता। पर अगर आप कहीं घर से बाहर हो, जैसे कि हॉस्टल में या काम के लिए कहीं और, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, बनाते इस देसी स्टाइल तवा चिकन को, वो भी देसी और रॉ अंदाज में, जो आप उनकी स्टाइल है बॉस। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर क्विक अपडेट्स। दोस्तों, ऐसे बात करें तो एक्चुअली इस रेसिपी को बनाने के लिए कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये इतना इजी और इतना क्विक बन जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ सामान की जरूरत भी नहीं पड़ता। आपको महज चाहिए कुछ एक प्याज, और प्याज को काफ़ी दिन रखने के बाद उसके ऊपर जो ग्रीन ग्रीन सा अंकुर आ जाता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ये और ज़्यादा आपके फ्लेवर को बढ़ा देगा, जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन ये आपके लिए ऑप्शनल है। अभी हम इस ग्रीन हिस्सों को छोटे छोटे बारीक बारीक हिस्सों में काट लेते हैं। प्याज को ज़्यादा छोटा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा स्क्वायर स्क्वायर साइज का बनाना है, चॉप करना है आपको। अभी हम एक लेंगे शिमला मिर्च, और उसको भी जैसे हम प्याज की स्क्वायर साइज की हिस्से काटे थे, सेम ही शिमला मिर्च को बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा स्क्वायर साइज की पीसेस रखना है। अभी हम चलते हैं कुछ ऐसी चीज़ की तरफ जो हमेशा आपकी रेसिपी की जायका को और ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो यहाँ हम लेते हैं एक टमाटर, बिल्कुल लाल सा, और उसको सेम हम चॉप करेंगे स्क्वायर साइज में, ज़्यादा छोटा नहीं। अभी हम चढ़ाते हैं अपने देसी से तवा आग के ऊपर, और आग को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम में रखना है, और तवा को काफ़ी देर तक गर्म होने देना है, लगभग 2 से 3 मिनट तक। और तवा के ऊपर जैसे आप ऑयल डालोगे, तुरंत ही आपको चिकन के पीसेस डाल देना है वहाँ पे। और हर एक मिनट के व्यवधान में अपने चिकन्स को आप पलटते रहना है, कहीं ये नीचे से एक जगह से जल ना जाए। देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर बन रखा है यहाँ पे हमारे चिकन का। इन चिकन्स को पकने दीजिए धीमी धीमी आंच में। अब हम बात करें कुछ दिल की बातें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मेरा मदर टंग ओड़िया है, तो मैं कुछ मेरे हिंदी भाषी दोस्तों को पूछा कि ये जो प्याज के ऊपर जो ग्रीन हिस्से आ रखे हैं, इनको हम क्या बोलेंगे हिंदी में, मुझे मेरा वीडियो बनाने वहाँ पे बताना है। तो जवाब आया, हमें भी पता नहीं। तो दोस्तों, मुझे जैसे जो भी पता था मैं यहाँ पे जोड़ दिया हूँ, आप देख लीजिएगा और बताएगा ठीक था कि नहीं। चलो देखिए, यहाँ पे हमारा चिकन पक चुका है, और हमने जितने भी काटे थे यहाँ पे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और उसके साथ शिमला मिर्च, हम यहाँ पे ऐड कर लेना है। और अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो हल्का सा आप यहाँ पे पानी मिला सकते हैं, और ऊपर से हम ऐड करेंगे हल्का हल्का सॉस, टमाटो सॉस, चिली सॉस और सोया सॉस, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। ये जो सॉसेस हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ऑप्शनल है आपके लिए, आपको जो भी सॉस अच्छा लगता है आप यहाँ पे मिला सकते हैं। अगर आपको टमाटो पसंद नहीं, चिली सॉस भी पसंद नहीं, तो आप ना भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपकी टेस्ट वैसे ही रहेगा। दोस्तों, हमारा देसी और जंगली स्टाइल तवा चिकन यहाँ पे खैर बन ही जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ तक तो प्रोसेस कर ही लिए हैं, आगे पकने की देरी है 2-3 मिनट और। लेकिन दोस्तों, मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन अभी भी क्वेश्चन मार्क बन के घूम रहा है कि प्याज के उन ग्रीन हिस्सों को क्या कहेंगे हिंदी में। तो यहाँ पे आपकी मदद चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे आखिर में मिला रहे हैं सोया सॉस, और चिकन के साथ इसको अच्छे से ब्लेंड होने देना है। और चिकन के साथ साथ हमने यहाँ पे जो ऐड किए थे शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, ये भी धीरे धीरे पकने लग जाएंगे। दोस्तों, इस रेसिपी को देख के आपको कैसे फील हो रहा है? लग रहा ना बहुत ज़्यादा शानदार, लेकिन बनाना उतना ही ईजी है दोस्तों, आप तो देख लिए होंगे इसका प्रोसेस। इसको बनाने के लिए ना आपको बहुत ज़्यादा बर्तन की ज़रूरत है, ना बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स की, बस चाहिए कुछ एक बेसिक सा चीज़ें जो आपकी किचन में हमेशा मौजूद रहता है। और अगर कभी यूँ बैठे बैठे शाम को दिल कर लिया कि भाई आज चिकन की स्नैक्स खाना है, तो कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस चिकन लाइए और बहुत ईजी सी प्रोसेस में बना लीजिए अपनी तवा चिकन देसी स्टाइल वाला। तो फिर किस बात की देरी है दोस्तों, ट्राई करिए कभी घर पे अपना ये देसी स्टाइल वाला तवा चिकन, खुद भी खाइए, दोस्तों को खिलाइए और वाह वाह लुटिए। और दोस्तों, यहाँ पे मैं विदा लेते लेते आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं फिर कुछ नया वीडियो बना सकूं, फिर कुछ नया क्रिएटिविटी कर सकूं। तो आखिर तक देखने के लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव और रॉ स्टाइल कुकिंग वीडियो लाता रहूँगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।